face off in the parliament over the Pegasus spyware. Congress's Gaurav Gogoi alleges spyware being used on opposition leaders. Now, Home Minister Amit Shah hits back, says bring proof. हमारे ऊपर तो स्नूपिंग कर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन पे पेगासस लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? आप जो सर्वेलेंस हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को आपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है, आप ये भी हमको बताइए। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है कि इनके मोबाइल पर पेगासस लगा है। आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते आप, या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू कर या रखें। इनके पास एक भी आधार हो किसी का, पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का, यहां रखना चाहिए सदन पर। सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है, स्वच्छंदी राजनीतिक आरोपों के लिए नहीं है सदन। Now, for more on this, I'm joined in by my colleague Kundan to give us more details about the face-off in the parliament over the Pegasus spyware. Kundan, good afternoon. हमें बताइए कि ये जो face-off हुआ है और ये allegations जो level किया है कांग्रेस के गौरव गोगोई ने, हमें बताइए इसके बारे में कि what are the pointers exactly? पार्लियामेंट बहस चल रही थी और जो असम से कांग्रेस के सांसद हैं और एक्स चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई के बेटे करुण गौरव गोगोई ने बहुत साफ एलिज लगाया कि जो पेगासस पूरी चर्चा में किया, उन्होंने कहा कि पेगासस का गवर्नमेंट यूज करती है अपने अपोजिशन को, जर्नलिस्ट को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, और खासकर कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स को पेगासस लगाए गए हैं और ये एक तरह से गवर्नमेंट करने का तरीका है। इस पे खुद अमित शाह जो गृहमंत्री हाउस में थे, वो उन्होंने कन्फ्रंट किया और बहुत साफ आरोप लगाया कि अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप इस यहाँ पे रखिए, वरना आप इस बयान को आप फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीड से इसको किया जाए, यानी हटाया जाए गौरव गोगोई। हालांकि से उनको ये अंदाजा नहीं था कि अमित शाह इतना एग्रेसिव उनकर और अपने साथ लगाए गए एलिगेशंस का इस तरीके से विरोध करेंगे। गौरव गोगोई के पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने लीडर कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी का भी जिक्र किया और इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि लगातार वह सरकार पे आरोप लगाकर निकल जाते हैं, चर्चा में न शामिल होते हैं, न कोई प्रूफ देते हैं और पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सो कुल मिला के अमित शाह वर्सेज गौरव गोगोई, कांग्रेस वर्सेज जो गवर्नमेंट का आज फेस ऑफ देखने को मिला, बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मामला चर्चा किसी और पॉइंट पे था, लेकिन कांग्रेस के एमपी के द्वारा पेगासस को सेंटर में लाया गया और इसके बाद अमित शाह ने बहुत कैटेगरिकली कहा कि अगर आपको लगता है या के साथ हुआ है तो आप प्रूफ रखिए, आप इस बात को साबित करिए कि आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है। Alright, Kundan, I appreciate you joining us on the broadcast and getting us those important details. Like Kundan was pointing out, this point was raised by Gogoi in the parliament, but Union Home Minister Amit Shah said that if these claims are true, he should get proof and then, of course, the further course of action will be taken. We'll continue to track that story and the political reactions on that one, but moving